तलाक बहुत गंदा शब्द है। जब मेरा पहले तलाक हुआ था तब मैं बहुत डरी हुई थी। दूसरी बार तलाक में बहुत कुछ दाव पर लगा था। ये पोस्ट क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने शेयर की। इसी पोस्ट में उन्होंने अपने और शिखर के तलाक की बात कर दी। आयशा की पोस्ट पर पहले कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। धवन के ज्यादातर फैंस शिखर की तरफ से किसी तरह की पुष्टि की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब तक शिखर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिखर धवन के साथ आयशा की ये दूसरी शादी थी। दोनों को एक बेटा है जोरावर। दोनों की मुलाकात का जरिया बना सोशल मीडिया। कहते हैं फेसबुक पर आयशा को देखने के बाद शिखर उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। दोनों की बातचीत उनके कॉमन फ्रेंड हरभजन सिंह ने करवाई। लंबी बातचीत के बाद दोनों की पहली मुलाकात हुई। बाद में दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया और 2012 में शादी कर ली। शिखर धवन के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि आयशा की उम्र धवन से ज्यादा थी और आयशा पहले से ही शादीशुदा थी। उनकी पहले पति से दो बेटियां थी, लेकिन माता पिता की इच्छा के खिलाफ शिखर धवन ने आयशा से शादी की। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का मिजाज काफी मिलता जुलता भी है। दोनों न सिर्फ स्पोर्ट्स लवर हैं, बल्कि टैटू को लेकर भी इनमें अलग सी दीवानगी है। क्रिकेट की दुनिया में गब्बर जहां एक बड़ा सितारा है, तो वहीं आयशा भी एक किक बॉक्सर रह चुकी है। धवन इस समय दुबई में होने वाली आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।